हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है सूट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कपड़ा पड़ा है, ये प्रिंटेड कपड़ा है फ्रेंड, रेयॉन का, और इसको मैंने 4.5 मीटर लिया था। तो मैंने नायरा कट कुर्ती के लिए ये कपड़ा लिया था फ्रेंड। तो ये कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था, तो मेरी कुर्ती 3 मीटर में बन गई थी और इसमें ये 1.5 मीटर बच गया है फ्रेंड। तो देख सकते हो आप, इसमें ये 1.5 मीटर बच गया है। तो मैं आज इसको एक शॉर्ट लेंथ की कुर्ती में यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं इसकी कटिंग आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं कुर्ती की कटिंग के लिए यहाँ पर निशान लगाऊंगी और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं कुर्ती की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कपड़े को यहाँ पर सिंगल फोल्ड करके बिछा लिया है। और इसको मैंने इसलिए ऐसा बिछाया है दोस्तों, क्योंकि जो इसकी ये डिज़ाइन है, ये ऊपर की साइड आएगी और नेक की साइड ये डिज़ाइन आएगा। अगर हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके काटेंगे तो ये डिज़ाइन ऊपर हो जाएगा और ये डिज़ाइन नीचे की साइड आ जाएगा। तो इस वजह से इसको हमें सिंगल करके ही कटिंग करनी है इसकी। तो पहले हम एक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर पहले वाले पार्ट को दूसरे वाले पार्ट के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे, जिससे ये दोनों पार्ट के डिज़ाइन ऊपर की साइड को आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह के प्रिंट वाले कपड़ों को इस तरह से ही कटिंग करें। कुर्ती की चौड़ाई के लिए मैंने कपड़ा लिया है यहाँ पर 12 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 12 इंच लिया है। आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग ही कपड़े को मोड़ें और देख सकते हो आप, हिप का जो चौथाई भाग है उससे हमें 1.5 या 2 इंच ज़्यादा लेके, जैसे किसी की हिप 10 आ रही है तो 2 इंच एक्स्ट्रा हमें कपड़े को मोड़ के यहाँ पर कटिंग करनी होती है दोस्तों। तो देखो आप, मैं इसकी कटिंग करके आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसे प्रेस करके बिछा लिया है और अब जो इसके ऊपर का ये कपड़ा है फ्रेंड, तो इसे हम यहाँ से कट कर लेंगे और इसको बराबर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस कपड़े को मैं इसकी लेंथ ले लूँगी कि हमें कितनी लंबी कुर्ती चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पर कुर्ती को 32.5 इंच पर मुझे इसे कट करना है। मैं इसकी लेंथ 32.5 इंच रखूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसे निशान लगा लूँगी 32.5 पे और अब इस निशान को मैं सीधा ले लूँगी और अब मैं इसमें तीरे का निशान लगाऊंगी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं तीरा लूँगी 7.5 इंच, यहाँ पर मैं आर्म होल की लंबाई लूँगी 7.5 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुट्ठे की लंबाई आपको 7.5 इंच लेनी है और तीरे की लंबाई भी 7.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगा लूँगी, छाती का चौथा हिस्सा लेना है। तो छाती के चौथा हिस्सा आप कैसे लोगे? तो फ्रेंड, जैसे आपकी चेस्ट 36 इंच है तो आपका चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच। तो 36 का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच। तो मैं 9 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लूँगी, इस लाइन को आगे ड्रॉ करके मैं 9 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लूँगी फ्रेंड। और इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये हमारी सिलाई आएगी और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। और फ्रेंड, अब आपको ऊपर से इंच टेप को पकड़कर 14.5 इंच पर भी निशान लगाना है, ये हमारे कमर का निशान है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं कमर की चौड़ाई ले लूँगी। तो यहाँ पर हमारी कमर है 32 इंच, तो 32 का चौथा भाग हुआ 8 इंच। तो यहाँ पर मैंने कमर के लिए भी निशान लगा लिया है। ऊपर से आपको फिर से 21.5 पे निशान लगाना है, ये हमारे हिप साइज के लिए होगा ये निशान। तो यहाँ पर आपकी जो भी हिप है उसका चौथा हिस्सा आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 10.25 इंच पर निशान लगा लिया है, ये हमारा हिप का निशान है और ये हमारा कमर का है और ये हमारा चेस्ट का निशान है। तो अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से आपको ये निशान मिला लेने हैं। और यहां पर फोल्ड के लिए भी मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है फ्रेंड। तो हिप से आप 1.5 इंच आगे पे निशान लगाओगे चाक को फोल्डिंग करने के लिए, इससे आप चाक को फोल्ड करोगे। ये 11.5 पे निशान आ गया फोल्डिंग का और यहाँ पर भी आपको 11.5 इंच पर निशान लगाना है और आपको 2.2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लेना है फ्रेंड, जो हमारे कटिंग के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये निशान हमारा लग चुका है।
और फ्रेंड्स अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच पर गोलाई के निशान लगाना है, और जो ये लाइन है मुड्ढे की लाइन है तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर ये निशान लगा लूंगी, और अब हम इसको गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से गोलाई देनी है, 1/4 इंच पर एक और निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स ये निशान मैंने लगा लिया है, और अब मैं इसको कट कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गले के लिए निशान लगा लिया है, और अब मैं इसको कट कर लूंगी। तो सबसे पहले हम बैक आर्म राउंड को कट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पार्ट की कटिंग कर ली है, और अब मैं दूसरे पार्ट की कटिंग करूंगी। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है फ्रेंड, हमें इसके ऊपर ही इस पार्ट को रखना है, इसे अच्छे से बिछा ले फ्रेंड, और अब आपको इसके अकॉर्डिंग ही दूसरे पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुर्ती के दोनों पार्ट को कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, और ये बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स मेरी शॉर्ट कुर्ती की कटिंग मैंने कर ली है, और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है दोस्तों। तो मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इनके इसके बाजू को भी कट कर लिया है। कुर्ती की मेरी कटिंग हो चुकी है। और तो फ्रेंड्स इस तरह से ही मैं अपने सूट की कटिंग करती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसकी स्टिचिंग मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।